नमस्कार प्रणाम, आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ गया हूँ पटना के स्टूडियो में, और संतोष रेणु यादव जी मगध सम्राट जो है, और साथ में है मौजूद अरुण बिहारी जी जो कि काफ़ी मशहूर राइटर हैं, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर हमारे जो कि बहुत ब्लास्ट ब्लास्ट म्यूजिक बनाते हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये देखिए अरुण सर यहाँ पे गाने को लिख रहे हैं, और संतोष रेणु यादव जी मौजूद हैं साथ में। सर आपको सबसे पहले तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ा सा रुकिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी मेरे भगवान रूपी श्रोता समाज जो तबाही न्यूज़ भोजपुरी को देख रहे हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। क्या कंपोज चल रहा है सर, क्या तैयारी चल रहा है आपका? धमाका बारूद। मैंने किस चीज़ का धमाका? विवाद के गाने होंगे? अच्छा, मैंने विवाद के धमाका वाला स्टूडियो में। आपके सर अरुण सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है सर? सबको नमस्ते प्रणाम। और हम लोग आज सावन के कुछ अच्छा अच्छा गीत कंपोजिशन हो रहा बा, और हमने के सोचे थे कुछ अच्छा लेके आए ये सावन में, और सब लोग सुने। सावन के मतलब के भरपूर तैयारी में है क्या? हाँ, सावन कर रहे हैं हम लोग गाना। तो कब तक मतलब के आपके गाने आना स्टार्ट हो जाएंगे मार्केट में, क्योंकि सावन बहुत जल्द ही आएंगे? नहीं, अभी सावन में तो टाइम है, 3-4 दिन में आ जाएगा। अभी तो पहले आज मतलब हो रहा है काम, और उसके बाद में कॉम्पिटिशन होगा, म्यूजिक होगा, उसके बाद में शूटिंग होगा, तब आएगा ना। सर ये गाने जो मतलब कि अभी कंपोज ही हुए कि गाने रेडी हो गए हैं? नहीं, अभी कुछ गाने रेडी भी हुए हैं, किसी का कंपोजिशन चल रहा है, कोई गाना कंपोजिशन हो चुका है, उसका फाइनल मिक्स मास्टर पे पहुंचा हुआ है। तो है अपने अपने जो मेरे जो ईश्वर रूपी जो श्रोता समाज हैं उनको एंटरटेनमेंट के लिए और भक्ति से ओत प्रोत हर तरीके के गाने इस बार जैसे तैयार किया गया है। मतलब कि इस बार मतलब कि बोलबम सॉन्ग तो बहुत आते हैं, आपके कुछ स्पेशल हट के होंगे? हाँ, स्पेशल होंगे ना, तो स्पेशल तो गर्दा उड़ा के तो रहे करेंगे। तो ये बताइए कि तो अपने दर्शकों को जो है कि बोलबम सॉन्ग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस आप जिस तरीके से संतोष रेणु ऑफिशियल पे जितना भी गाना आया है उसको आपने प्यार आशीर्वाद दिया है, बड़ा खुशी महसूस होता है कि एक छोटा सा चैनल 3000 सब्सक्राइब पे रिस्क ले लिए थे और उस पे रिलीज कर दिए थे हैं अहिर के असली बेटा मुझ पर फर्क ना पड़ी, और वो रिलीज करने के बाद आज उस चैनल का सब्सक्राइब 50,000 क्रॉस कर गया है। तो आप लोग का जो प्यार आशीर्वाद जो लगातार जो मिल रहा है उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जो भी जो सावन सॉन्ग जो बोलबम सॉन्ग जो है जो आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा कोशिश किए हैं, और एक जो गाना है बहुत अच्छा चल रहा है, अभी मार्केट में वायरल भी हो चुका है, टेम्पू के पीछे लटकल बानी कि जो ना टेम्पू में बैठल बड़ू जान सुनाए परान वही के पीछे लटकल बानी। मतलब टेम्पो के पीछे लटके तो सावन में आप कहाँ जाएंगे, पहाड़ पर जाना है कि क्या करने वाले? हवाई जहाज पर अब चलेंगे, वो तो सामने आएगा ना। अब ये है संतोष रेणु यादव जी, और सावन में हवाई जहाज पे लटकेंगे, ठीक है? लगता है कि वही गाने मैं लटका के मारिए देना है, सब विरोधी लोग खुशे हो गए होंगे न्यूज बात सुन के कि हवाई जहाज से अब लटकी जाइए अभी, तो तारा खुशी होने की जरूरत नहीं है, अभी हम बानिया रहे ठीक जी, आते रहेगा गाना, क्योंकि दर्शक इनके काफी इंतजार करते हैं, बहुत हमारे कमेंट में जवाब देते हैं कि अगला गाना कब आ रहा है, अगला गाना। इनका एक लिखा हुआ ईरान गाना है, वो सुनिएगा ना, तो बारूद है वो, डायनामाइट है, जो कह दीजिए वही है वो, इतना जबरदस्त लिखे हैं, और किन्हीं को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सब लोग इंजॉय करेंगे, और उसका शूटिंग भी हम लोग बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं। सर बारूद मत लिखिए, क्योंकि ब्लास्ट होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम भी नहीं आ पाएंगे। देखिए बारूद नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो मतलब सबसे मतलब हिट होता है गाना ज्वालामुखी, हाँ वो है।
भूकंप आ जाएगा, भूकंप। आप देखिए अरुण बिहारी जी और संतोष रुणु यादव जी का कॉम्बिनेशन कितना भूकंप मचाता है, कितना मैं उनके पास आऊँगा और कितना बवाल मचाता है, तो देखने की बात है। और हमारे दर्शक लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके गानों को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक अधिकांश आपके वीडियो और आपके गाने को देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा आपके पास सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ आपका अपडेट ले लूँ। तो ये आपके साथ हमारे साथ में है आपके म्यूजिक डायरेक्टर, आपका अपना नाम बताइए, परिचय बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अभी संतोष रुणु यादव जी के साथ। जी नमस्ते प्रणाम, हमारा नाम पड़ेला म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण गुप्ता, और भैया का बहुत ही अच्छा अच्छा काम, मतलब जैसे कि म्यूजिक कंपोजिशन वगैरह, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग सब चला था। और हम अभी पटना के स्टूडियो माँ लक्ष्मी स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बनी, और यहीं से सब भैया का काम होते हुए, और बहुत ही अच्छा अच्छा गाना, बहुत ही बेस्ट बेस्ट, बहुत ब्लास्ट ब्लास्ट गाना रिकॉर्ड भइल बा। और आज रउआ आइल बानी तो बहुत खुशी होता कि हमने के आज स्क्रीन पर आवत हैं, जो फर्स्ट टाइम म्यूजिक डायरेक्टर के पोस्ट से। अरे ऐसा बात नहीं है, आप ही लोग हैं तभी तो म्यूजिक बजते हैं, आप नहीं रहेंगे तो हम स्क्रीन पर आकर क्या करेंगे। नहीं ऐसा तो बढ़ गया, लेकिन फिर भी आप लोग के बात ऐसा है ना कि अगर म्यूजिक नहीं बजाएंगे तो आप कहाँ से स्क्रीन पर नजर आइएगा, इनका भी बहुत श्रेय होता है। सही। और सम्मान की उम्मीद भी रखते हैं, सम्मान पाने की। हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहिए? ये हमेशा तबाही मचाते रहते हैं, अभी भोजपुरी का नंबर वन चैनल आप बन गए हैं, तो इसके धन्यवाद। तो इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत बधाई हो, और जितने भी जो लोग हैं उनको आपसे सीखनी चाहिए, कि चूँकि आपने बहुत कम दिनों में, हम देखे हैं जितना आप संघर्ष करके इस लेवल तक आए हैं, और भी लोग हैं जो आपको लगातार टक्कर दे रहे हैं, लगातार टक्कर दे रहे हैं, तो ये चैलेंजेज जो हैं ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं आज भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी जो मीडिया जैसे पोर्टल न्यूज़ है, वेब न्यूज़ है, ये सब जो आ रही है, कहीं ना कहीं भोजपुरी को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। आप जैसे युवा आज घर से बाहर निकले, आज न्यूज़ के माध्यम से आप इंडस्ट्री को उस लेवल तक ले गए, तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे और भी भाई लोग जो हैं वो आपका अनुसरण करें, आपको देखें, आपसे सीखें, और वो भी मेहनत करके न्यूज़ में भी आएँ